अरे यार, तुझे से एक बात बता, तू तुझे भी कोरोना का कीड़ा काटा है क्या? जब देखो तब ये पानी रगड़ते रहता है हाथ पर। भाई अब तो सुधर जा, सैनिटाइजर बोलते हो उसको। अरे क्या सैनिटाइजर, हाथ में ठंडा लगता है सिर्फ। और वैसे भी मैं कोरोना वोरोना मानता नहीं हूँ। ठीक है, तू एक बात बता, तूने मुझे एक बार बोला था कि तू तेरे बहन को कुछ बनाना चाहता है। हाँ, मेरा सपना है भाई, कुछ पढ़ लिख लेगी, कुछ बन जाएगी, अच्छा लड़का मिलेगा, खुश रहेगी ना कम से कम। मेरी भी एक बहन थी जिसको मैं कुछ बनाना चाहता था, लेकिन कोरोना ने बहन और मेरा सपना दोनों छीन लिए। अब ना सपना पूरा होगा ना मेरी बहन वापस आएंगे। भाई माफ कर दे यार। नहीं यार, तू जैसे लड़कों की प्रॉब्लम क्या है पता है? तू पढ़ा लिखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू पैसे नहीं कमा सकता या फिर तू कोई जिंदगी नहीं जी सकता। लेकिन तुझे इतना पता है किसी की जान की कीमत क्या होती है? 2 दिन से बहन एडमिट थी, ना मैं कुछ देख के कर पाया ना डॉक्टर कुछ कर पाया, और बस थोड़े दिन में चली गई। बोल किसको दोष दूँ, भगवान को, कोरोना को या खुद को? देख भाई, भलाई इसी में कि हम इस हालत में अपने ध्यान रखें, मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ करें, ताकि जो मेरे साथ हुआ है भगवान ना करे किसी और के साथ हो। हाँ भाई सॉरी यार, मेरे को माफ़ कर दो। ध्यान रख अपना।